तो भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं चड्डी पर वीडियो बनाऊं, तो एक मिनट रुके, मैं भी चड्डी पहन कर आती हूँ, ठीक है? एक मिनट रुके, मैं चड्डी पहन कर आती हूँ, चड्डी पर वीडियो आज मैं बना कर रहूंगी, कुछ भी हो जाए आज मैं चड्डी पर वीडियो बनाऊंगी, रुको एक सेकंड, है ना, मैं आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, भाई इतना ज़्यादा आप वीडियो को प्यार करते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोज को आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा मुझे टाइम देते हैं, मेरा वीडियोज को देखने में आप इतना समय लगाते हैं, साथ ही साथ आपके कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिलते हैं, तो सोचा क्यों ना आज आपको पढ़कर बताया जाए आप लोगों के कमेंट, कितने अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग मुझे करते हैं और मुझे दिल से सच में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बंदे हैं ना, उन्होंने मेरे नाक में इतना ज़्यादा दम कर दिया। मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूरी में इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ इन कुछ बंदों के कमेंट की वजह से। बाकी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हो और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी सोच इतनी घटिया है आज भी, और उनके कमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि देखो उनका मतलब क्या क्या सोच है। सबसे पहला कमेंट मैं इन भाई साहब का पढ़कर आपको बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहला जो कमेंट मैं लेने वाली हूँ, ये इन भाई साहब का लेने वाली हूँ, यहाँ पर मैं नीचे लगा दूंगी। इन भाई साहब का कहना ये है, क्या नहाती नहीं हो आप? एक ही कपड़े तीन तीन दिन तक पहन कर रखती हो। तो मैं इन भाई साहब को समझा दूं, इनके इधर भेजा नहीं है, मैं एक ही कपड़े को तीन तीन दिन तक नहीं पहनती हूं, बल्कि एक ही कपड़े में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूं। दूसरी बात, आप मेरे चैनल पर क्या देखने आते हैं, मेरे कपड़े देखने आते हैं या मेरी वीडियोस देखने आते हैं? सबसे पहले मुझे ये जो इन्होंने आपने ये सवाल किया, और इस टाइप के मुझे काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं, क्या एक ही ड्रेस में वीडियो बनाती हो, एक ड्रेस में इतनी सारी वीडियो बनाती हो, उन सभी बंदों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियोज पर क्या देखने आते हो, मेरी ड्रेस देखने आते हो या मेरी वीडियोज देखने आते हो? मतलब इतनी लंबी लंबी वीडियोस में आपने सिर्फ मेरी ड्रेस ही देखी कि मैंने ये ड्रेस कल भी पहनी हुई थी और आज भी पहनी हुई है, मतलब खाली है क्या इधर, नहीं है क्या दिमाग? एक ही वीडियो को एक ही ड्रेस में हम एक ही काफी सारी वीडियो शूट करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम तैयार हुए और सिर्फ एक वीडियो बनाई हमने और फिर खत्म कर दिया, हमारे पास और भी काम होते हैं, तो हम एक ही ड्रेस में 4 से 5, 6, 7 वीडियो जितना भी हमें बन पाता है हम बना लेते हैं, ताकि हम बाकी काम कर सके घर के, ठीक है? हमारे घर पे कोई नौकर वोकर नहीं लग रहे, सारा घर का काम हम संभालते हैं, बच्चा भी है, अगर आपको मेरी व्लॉग आप देखते होंगे तो वहां पर आपको पता लग जाएगा मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं जिनको मैं संभालती हूँ, ठीक है? वीडियोज बनाने के अलावा और भी काम होते हैं मेरे पास, ठीक है? तो भाई साहब, आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मैं रोज रोज यही कपड़े पहनकर नहीं बनाती हूँ, इवन मैं एक दिन वीडियो बनाने बैठती हूँ और 5-6 वीडियो एक साथ बना लेती हूँ, तो आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहाते नहीं हो क्या आप? मतलब इतना तो दिमाग होना चाहिए ना बंदे में कि सेम ड्रेस अगर पहनकर वीडियो बना रहे तो मतलब एक ही दिन में सारी वीडियो शूट की गई है, ऐसा नहीं है कि रोज आप वीडियो बना रहे हो रोज सेम ही ड्रेस पहन रहे हो, तो कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब कुछ भी कमेंट करते हो यार, हद है। अच्छा, अब दूसरा कमेंट इन भाई साहब का ले लेते हैं। मैडम, मैं आपको देखकर हिला लेता हूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? अरे भाई, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, ये बंदा अभी इधर पड़ा है, मतलब क्या करूं यार मैं? कितने लड़कों के मुझे मेल आते, कितने लड़कों के मुझे मैसेज आते, मैडम हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, और मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ कि आप इस प्रॉब्लम से बचे रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई को अपना बर्बाद कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, मैं इससे बाहर निकालने में लगी रही हूँ, और ये भाई साहब हमें देखकर, अब इधर है कि नहीं है कि खाली है? भाई कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब यहाँ सीखने आते हो कि क्या करने आते हो? यहाँ मैं सिखाती हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मुझे देखकर ही लग पड़ रहे हैं। कैसे कैसे बंदे, क्या होगा इनका, मतलब धरती पर बोझ है यार ये बंदे, मतलब इतना गुस्सा मुझे आता है इन कमेंट्स को पढ़कर, मतलब इतना, अगर ये मिल जाए ना इनका मुंह दे के लाल कर दूं मैं सच में, ऐसे ऐसे लड़के पता नहीं कहाँ से, कौन इनके माँ बाप पता नहीं कैसे इनको कुछ भी मतलब समझा के तो रखे यार, क्या रेस्पेक्ट करते हो तुम लड़कियों की? मतलब कोई लड़की सोशल मीडिया पर बैठकर वीडियो बना रही है तो वो इसलिए बना रही है, वो तुम्हें बाहर निकालने के लिए बना रही है? अगर मैं बना रही हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मुझे यहाँ इतने लोग मैसेज करते हैं ना, उनसे पूछो आप कि उन्होंने क्या सिखा है मेरी वीडियो से, वो सीख रहे हैं, वो उनको सीखने का मन है, लेकिन आप जैसे लड़कों को सीखने का मन नहीं है, इधर आप अपनी हवस पूरी करने आते हैं, बताओ। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी अपना हवस का बना दिया इन लोगों ने, पता गुस्सा इतना आता है, गालियों पर गालियाँ बरसाऊँ पर यहाँ पर मैं बोल नहीं सकती हूँ, भाई सभी लोग वीडियो देखते हैं। आप चलो इन भाई दूसरे भाई साहब का कमेंट ले लेते हैं, देखो लोगों की सोच देखो, दूसरे भाई साहब का कमेंट देखो आप। दूसरे भाई साहब लिखते हैं, मैडम चड्डी पर वीडियो बनाओ, चड्डी पर मुझे समझ नहीं आया ये आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब अंडरवेयर पर वीडियो बनाऊं कि आपको कौन सी प्रकार की पहननी चाहिए, या खुद मैं पहनकर बनाऊं, चड्डी पर वीडियो बनाऊं? तो भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं चड्डी पर वीडियो बनाऊं, तो एक मिनट रुके, मैं भी चड्डी पहनकर आती हूँ, ठीक है? एक मिनट रुके, मैं चड्डी पहनकर आती हूँ, चड्डी पर वीडियो आज मैं बनाकर रहूंगी, कुछ भी हो जाए आज मैं चड्डी पर वीडियो बनाऊंगी, रुको एक सेकंड, है ना, मैं आती हूँ अभी चड्डी पहनकर, ठीक है? तो फाइनली यहाँ पर मुझे मिल गई है चड्डी, तो चलिए हम चड्डी पर वीडियो बना लेते हैं। तो ये है चड्डी, इसको हमने रखा हमारे नीचे और मैं बैठ गई इसके ऊपर, तो ये हो गई
भाई चड्डी पर वीडियो, ठीक है भाई साहब, मिल गई आपको चड्डी पर वीडियो। तो मतलब यार चड्डी पर चड्डी में वीडियो बनाओ, क्या क्या सोचे तुम लोगों की, मतलब कहाँ से आते हो तुम, धरती पर बोझ हो क्या, दफा हो इधर, धरती को खाली करो फटाफट, बोझ बना रखा है यहाँ पर धरती पर, बेवकूफ बेवकूफ आदमी सारे। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बता दिए इतने सारे बेवकूफ पागल लोगों के कमेंट, अब हम देख लेते थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट। मुझे काफी सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं है टड्डी पड्डी वाले कमेंट आते हैं भाई, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कमेंट भी मुझे मिलते हैं जो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, काफी ज्यादा पसंद आते हैं और मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ उन कमेंट्स को देखकर। तो चलिए आप ये भी देख लीजिए जरा, तो यहाँ पर पढ़िए आप इन भाई सब का कमेंट जो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। विद्या जी आपकी वीडियो देखने के बाद मेरी सेक्स लाइफ ही बदल गई है, मेरा टाइम 20 से 25 मिनट हो गया है। तो ये देखिए आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट लोग मुझे करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर उनको टाइमिंग में प्रॉब्लम थी, मैंने काफी सारे टिप्स बताए, काफी सारे वीडियोस बनाए, उनको फॉलो किया और इनको काफी ज्यादा उससे बेनिफिट हुआ और इन्होंने कमेंट करके मुझे बताया। तो थैंक यू सो मच दिल से आपका सुनील कुमार कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो और आपको फायदा हुआ, ठीक है। तो ये देखिए इतना अच्छा कमेंट इन्होंने किया है और भी कमेंट मैं ऐड करती हूं अभी यहां पर। रामलाल जी लिखते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी है आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो थैंक यू सो मच रामलाल जी, आपने हमें समझा और आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं इस टाइप के कमेंट करके, थैंक यू सो मच। जो सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगा, विद्या जी आप लड़की होकर सेक्स के बारे में इतना खुलकर बात कर रही हैं, लोगों को इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि लोग समझ पाते हैं, थैंक यू सो मच। तो देखिए यार लोग इतना अच्छा अच्छा गाइड कर रहे हैं, इतनी अच्छे अच्छे कमेंट मुझे करते हैं, देखा कितने सारे लोग है जो मोटिवेट करते हैं और कितने सारे लोग है जो गंदगी फैलाने इधर आते हैं, उनके दिमाग का कचरा कभी साफ नहीं हो सकता। मैं इतनी वीडियोस बनाती हूं दिमाग का कचरा निकालने के लिए, लेकिन उनका नहीं निकल सकता, वो ऐसे ही रहेंगे, वो खुद भी गंदगी है और इधर भी गंदगी फैलाने आते हैं। तो सबसे पहले तो सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, आपको कुछ बुरा लगा हो, आपको कुछ हर्ट हुआ हो, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो मुझे इस टाइप के कमेंट करते हैं, जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। सिर्फ कुछ बंदे हैं जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप लोग अपने दिल पे मत लेना जो मुझे रोज देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और साथ ही साथ मैं उन बंदों से एक और चीज कहना चाहूंगी कि कल से अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन डॉक्टर बन गई और वो इस टाइप की लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को बैठकर समझा रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर कोई बंदा उसको आकर बोलता है कि मैडम हमें तो आपकी लेनी है, मैडम हमें तो आपको देखकर हिलाने का मन करता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, आपका क्या जवाब होगा? मुझे दो, या तो आप अपनी बहन बेटियों को घर में रखोगे, पढ़ने नहीं दोगे, ठीक है, अगर आपकी सोच ऐसी है तो भैया आप पढ़ने नहीं दोगे उनको, भाई कोई भी कुछ बोल दे। लेकिन अगर आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है, पढ़ाई कर रही है, बाहर जा रही है, उसको भी स्पीच देनी पड़ रही है, बोलना पड़ रहा है, कल से लेक्चरर बनेगी, टीचर बनेगी, अगर कोई आपकी बहन को आके बोलता है, आपकी बोलता है, आपकी बीवी को आकर बोलता है कुछ, अगर वो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? अगर है जवाब तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे इस टाइप के कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं वो इस वीडियो के नीचे और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वाली वीडियोज लाती रहूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।